चर्चित विकास दुबे केस में शामिल प्रवीण दुबे के एनकाउंटर की जांच को न्यायिक कमेटी इटावा पहुंची। उसने पुलिस अफसरों से कई तरह के सवाल किए। टीम ने क्राइम सीन को फिर से दोहराया। कमेटी के सदस्य करीब 45 मिनट तक घटनास्थल पर रुके। इस दौरान मुठभेड़ से जुड़े पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और गांव वालों से अलग अलग पूछताछ की गई। पूछताछ की पूरी कार्यवाही की रिकॉर्डिंग भी की गई। यहां जांच करने के बाद टीम उज्जैन रवाना हो गई। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से ही पकड़ा गया। यहां टीम उसे पकड़ने वाले गार्ड और पुलिस से पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान, सदस्य हाईकोर्ट के जज एसके अग्रवाल, पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता एनकाउंटर की जांच के लिए इटावा पहुंचे। कमेटी के तीनों सदस्य इससे पहले भी घटनास्थल पर गए। कमेटी के आने की सूचना पर स्थानीय अधिकारियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मुठभेड़ का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। एक कार को पेड़ से टकराकर खड़ा किया गया। किस स्थान पर हिस्ट्री शीटर प्रवीण गोली लगने के बाद गिरा था, कहां पर उसे तमंचा पड़ा, कारतूस पड़े मिले, वहां पूरा सीन एक बार फिर से दर्शाया गया। कमेटी ने एसएसपी आकाश तोमर, एसपी सिटी डॉक्टर रामयश सिंह, एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी सत्येंद्र यादव, इन सबसे कई तीखे सवाल किए। अधिकारियों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि जिसको एनकाउंटर में मारा है वो बिकरू कांड का आरोपी है। ये भी पूछा गया, मुठभेड़ के दौरान कितनी गोलियां चली, अपराधी की गाड़ी पेड़ से कैसे टकराई, जिस एसयूवी से तीन अपराधी भाग निकले उनके बारे में अब तक क्या जानकारी पता चली है। ये सवाल सुनकर पुलिस अधिकारी सकपका गए। किसी तरह जवाब देकर कमेटी को संतुष्ट करने का प्रयास किया। जांच कमेटी ने एनकाउंटर स्थल विक्रमपुर गांव के लोगों को बुलाकर पूछताछ की। इसके लिए बुधवार को गांव में मुनादी कराई गई, लेकिन जांच कमेटी के सामने गांव के केवल तीन ही लोग पहुंचे। गांव के रहने वाले दुर्गेश ने बताया, 9 जुलाई की सुबह मैं टहलने निकला, तभी 3-4 गाड़ियां आती दिखी। आगे कोई युवक कार लेकर भाग रहा था, पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां थी। पुलिस वाले चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। इसके बाद युवक की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। गांव के मनोज सिंह चौहान ने बताया, घटनास्थल के पास में मैं अपने खेत पर गया, वहां एक गाड़ी पेड़ से टकराई खड़ी थी, कई पुलिस वाले उसके पास खड़े थे। गांव के जितेंद्र ने बताया, मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी है, 4-5 गोलियां चली, फिर 8-9 गोलियां चली होंगी। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।